दोस्तों ये वाला बटन दबाकर नीला कीजिए, इस बटन को काला कीजिए और ये वाली घंटी को जोर से दबा दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको चार जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं मोबाइल की। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और दोस्तों जो चार नंबर की ट्रिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। तो दोस्तों ट्रिक नंबर एक में क्या है, आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में एक बड़ा ही जबरदस्त काम कर सकते हो। आपको यहां पर कैलकुलेटर पर आकर बनाना होगा अपना एक पासवर्ड, जैसे कि मैंने बना रखा है। यहां पर आप कुछ भी बना लेंगे चार नंबर का, जैसे मैंने 9999 बना रखा है। अब इस कैलकुलेटर के अंदर आप अपने फोटो छिपा सकते हो और वीडियो छिपा सकते हो, फोल्डर भी बना सकते हो, उसके अंदर कुछ भी छिपा सकते हो अपने कैलकुलेटर के अंदर। इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लेंगे कैलकुलेटर हाइड ऐप, और दुनिया भर की एप्लीकेशन मिल जाएगी, जो भी आपको अच्छी लगे उस एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है कैलकुलेटर के अंदर छिपाना फोटो को। अब दोस्तों ट्रिक नंबर दो में है, आप अपने मोबाइल की लाइफ को बढ़ा सकते हो यदि आप अब मैं जो बताऊंगा वो करोगे। दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर से बैटरी बूस्टर ऐप, वो फ्री वाईफाई वाली ऐप जो आपको फ्री वाईफाई देती हो, मोबाइल रैम बूस्टर ऐप, ओके, और वीपीएन ऐप जो आप फ्री में वीपीएन यूज करते हो, ओके, अनसिक्योर सोशल ऐप, ये इस तरह की ऐप यदि आप डिलीट कर दोगे अपने मोबाइल के अंदर से तो आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इन एप्लीकेशन को भी डिलीट कर दो, ये एप्लीकेशन आपके लिए खतरनाक है। अब दोस्तों ट्रिक नंबर तीन में है, जो आप अपने मोबाइल में मैसेज करते हो इसका आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने सेटिंग में जाएंगे, मैसेज सेटिंग में, और यहां से बैकग्राउंड ले लेंगे। अब जो भी बैकग्राउंड आपको यहां पर चाहिए वो बैकग्राउंड आप अपने मोबाइल के मैसेज एप्लीकेशन पे सेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने सेट किया। अब यहां पर यदि मैं किसी को मैसेज करता हूं, आप देख सकते हो बैकग्राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और भी आप अच्छे से सेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर एक ट्रिक और भी है, यदि आप चाहते हो अपने मोबाइल को मैसेज को शेड्यूल करना, तो आप बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आपके मोबाइल में एक सेटिंग रहती है, आप यहां पर चले जाएंगे मैसेज खोलकर शेड्यूल मैसेज में। अब इस सेटिंग को करने के बाद आपका मैसेज ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा जिस दिन का आप यहां पर सेट करोगे। यहां पर आप टाइम सेट कर लेंगे और उसके बाद वो मैसेज टाइप करके जो भी आपको भेजना है वो उसको सेंड कर देंगे। अब जो टाइम आपने यहां पर भरा था उस टाइम पर ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाएगा। अब यहां पर आप इसको देख सकते हो किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये भी बड़ी अल्टीमेट ट्रिक है। अब दोस्तों ट्रिक नंबर चार जो कि बहुत जबरदस्त है, इस ट्रिक से आप अपने मोबाइल की बैटरी को बूस्ट कर सकते हो, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हो, ओके, सिर्फ एक ट्रिक से जो आपके मोबाइल की रैम प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ में जो मोबाइल हैंग होता है उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका मोबाइल दूर कर देगा सिर्फ एक सेटिंग करने से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन वाले सेटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। अबाउट फोन वाले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का, और यहाँ पर बिल्ड नंबर का, आप बिल्ड नंबर पर 7 बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सेटिंग में ढूंढ लेंगे डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, ठीक है, जिस सेटिंग का नाम होगा लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। तो आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे और यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस चूज कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यदि आप यहाँ पर नो बैकग्राउंड चूज कर लेते हो तो बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगी, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी, इंटरनेट और रैम सब कुछ इंक्रीज होगी, मोबाइल फास्ट होगा। बाकी आप अपने हिसाब से लिमिटेड प्रोसेस भी रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके जाना। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।